दोस्तों, स्वर्ग और नर्क के अलावा अन्य लोकों की अवधारणा दुनिया के कई धर्मों में उल्लेखित हैं, और इसी अवधारणा ने आज के समय में परग्रही एलियंस और उनकी रहस्यमय दुनिया के प्रति आम जनमानस के कौतूहल को जन्म दिया है। ऐसे में आम आदमी अभी भी इनसे संबंधित घटनाओं को आश्चर्य की तरह देखता है और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय जानकारी पाना चाहता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन मनुष्य दूसरे लोकों के प्राणियों के संपर्क में वैसे ही था जैसे आज हम दूसरे देशों के मनुष्यों के संपर्क में होते हैं। आज के आधुनिक इतिहासकार, विद्वान, वैज्ञानिक, पुरातत्ववेता मनुष्य की विकास यात्रा को डार्विन के चश्मे से देखते हैं और हमें बताते हैं कि प्राचीन मनुष्य आदिवासियों की जिंदगी जीता था। उसके पास अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मूलभूत सुविधाओं और पर्याप्त बुद्धि का अभाव था। जबकि सच्चाई ये है कि इन्हीं आदिवासियों के समानांतर विकसित सभ्यताएं कल भी थीं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। ये सृष्टि का नियम है। दोस्तों, अगर कहीं प्रलय हो रही होती है तो कहीं सृजन भी हो रहा होता है। सर्वथा प्रलय या महाविनाश के समय भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही बिंदु में समाहित हो जाते हैं और इतिहास अपना अंतिम अध्याय भी समाप्त कर देता है और महाशून्य में विलीन हो जाता है। प्राचीन सभ्यताएं विकसित थीं, इसके प्रमाण प्राचीन भारत, मिस्र, माया, यूनान और रोम के भग्नावशेष खुद ही देते हैं। ऐसे में काल के क्रूर पंजों और मूल बुद्धि वाले बर्बर आक्रमणकारियों के आक्रमण के बावजूद सौभाग्यवश बचे हुए प्राचीन भारत के ग्रंथों में इन परग्रही एलियंस और इनके लोगों के दिकाल, जन्म मरण के नियम आदि के बारे में काफी कुछ जानकारी दी हुई है। जिन्हें इन ग्रंथों और इनके ज्ञान की वास्तविक जानकारी है, वो बिना प्रकाश में आए इस पर शोध कार्य कर भी रहे हैं। दोस्तों, एक साधारण जिज्ञासा बहुतों के मन में होती है कि अगर स्वर्ग और नर्क जैसे लोक वास्तव में हैं, तो क्या वहां के लोग हमारे ही जैसे होते हैं और हमारे ही जैसे जन्मते मरते हैं, या फिर वैसे ही अतिरंजित होते हैं जैसा विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में वर्णित हुआ है। मनुष्य हमेशा अनोखी चीजों को अपनी बुद्धि के अनुसार देखता है, सुनता है और समझता है और फिर वैसे ही उनका उल्लेख करता है। ये सांसारिक नियम है कि किसी द्रव को आप जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी के आयतन और आकार के अनुसार रूप ग्रहण कर लेता है। भारतीय दर्शन मानवेतर दुनिया, उनके लोक, प्राणी आदि के बारे में सटीक जानकारी देता है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जीवात्मा अलग अलग दिक्काल में अपने कर्मों को भोगता है। इन्हीं में से एक योनि है मनुष्य योनि, जो कर्म योनि मानी गई है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने इन 84 लाख योनियों को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी मैथुनी सृष्टि की है और दूसरी श्रेणी अमैथुनी सृष्टि की है। युगल के संबंध से पैदा होने वाली सृष्टि मैथुनी सृष्टि कहलाती है। जैन धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि को गर्भज सृष्टि भी कहते हैं, जो प्राणी एक निश्चित अवधि तक गर्भ में रहकर अपना शारीरिक विकास करता है और पर्याप्त विकास के बाद गर्भ से बाहर आता है, उसे गर्भज प्राणी कहते हैं। इसमें मनुष्य से लेकर पशु पक्षी इत्यादि इस धरती के प्राणी आते हैं। दोस्तों, इन जीवों के गर्भ में रहने की अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसी अवधि में उनका शारीरिक संस्थान पूरा बन जाता है और वो बाहर का वायुमंडल सहन कर सके, ऐसी उनमें शारीरिक क्षमता पैदा हो जाती है। पक्षियों समेत इस दुनिया के कई प्राणियों के गर्भ अंडे के रूप में होते हैं। जीव अंडे के खोल में पैदा होता है और उसी में धीरे धीरे उनका पूरा शरीर बन जाता है। इस प्रकार गर्भ से पैदा होने वाले पशु पक्षी तथा मनुष्य मैथुनी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। इनमें मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों शक्तियों का विकास है। यद्यपि विकास की क्षमता में एक दूसरे से तारतम्य जरूर है, लेकिन तीनों शक्तियों की सत्ता अवश्य विद्यमान है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का दूसरा भाग अमैथुनी सृष्टि का है। यह मैथुनी सृष्टि की तुलना में काफी बड़ी है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि ब्रह्मांड के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से में अमैथुनी सृष्टि के ही प्राणी विद्यमान है। इस सृष्टि में विकसित और अविकसित दोनों योनियों का समावेश है। एक तीसरी श्रेणी अतिविकसित योनि के प्राणियों की भी है। यद्यपि ऐसे प्राणियों की संख्या सीमित है, लेकिन ब्रह्मांड की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में इनका सीधा हस्तक्षेप होता है। दोस्तों, अमैथुनी सृष्टि के मुख्य प्राणियों में देवोनी के जीव, नरक योनि के जीव, एकेंद्रीय जीव, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय और पंचेंद्रीय, लेकिन अमनस ज्ञानी जिनमें मानसिक, वाचिक और कायिक शक्तियों का निरंतर विकास नहीं होता आदि होते हैं। देवयोनि में पैदा होने वाले जीवों को माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं होती, गर्भ की या अंडे में रहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वे वहाँ कुछ विशेष प्रकार के पुष्प होते हैं, उनमें जन्मते हैं। ये विशेष प्रकार के फूल वहाँ के समयानुसार जब भी वहाँ खिलते हैं तो उनमें उनका जन्म होता है। जन्म लेने के 2 घड़ी भीतर लगभग 48 मिनट के अंदर उनके परिमित शरीर की रचना हो जाती है। देव योनि के जीवों में ना तो बचपन होता है और ना ही बुढ़ापा। वे शक्ति संपन्न, ऊर्जायुक्त शरीर वाले होते हैं, जिसमें हार मास नहीं होता है। दरअसल उनके लिए विशिष्ट अणुओं का समूह शरीर के रूप में अवस्थित हो जाता है और इस उत्पत्ति में किसी के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के पालन पोषण की अपेक्षा नहीं रहती है। देवयोनि के जीव फूलों में जन्मते हैं, सदैव युवावस्था में रहते हैं।
और दीर्घायुषी होते हुए भी उनमें बीमारी या शैथिल्यता नहीं आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नर्क के जीवों की। आपको बता दें कि नर्क योनि के प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान एक कुंभी जैसा स्थान होता है। ये एक ऐसे बॉक्स की तरह होता है जिसका मुंह छोटा और पेट बड़ा होता है। ये जीव भी पैदा होने के 48 मिनट के भीतर अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। नर्क योनि के इन जीवों में भी बचपन या बुढ़ापा दोनों नहीं होता है, लेकिन यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु काल तक केवल पीड़ा ही पीड़ा होती है। वहाँ सर्वथा असुविधा, भयंकर दुर्गंध, भीषण ठंड जिनमें हड्डियां भी भूरा भूरी हो जाएं, या भीषण अग्नि सामान गर्मी, पारस्परिक झगड़ा एक क्षण भी चैन नहीं लेने देता। यातना शरीर मिलने की वजह से जीव ये सब कष्ट झेलता रहता है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वहाँ उसकी मृत्यु तभी होती है जब उसके कर्म फल क्षीण होते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये पांच प्रकार के स्थावर शरीर वाले जीव अमैथुनिक हैं। इनमें एक इंद्रिय होने के कारण इन्हें अकेंद्रीय जीव कहा जाता है। इनमें चेतना का न्यूनतम विकास होता है। यद्यपि वनस्पतियों में संवेदनशीलता अत्यधिक होती है, लेकिन एक इंद्रिय होने के कारण अभिव्यक्ति की प्रक्रिया अत्यंत सीमित है। ये जीव अनुकूल संयोग मिलते ही अपने आप स्वयं पैदा होते हैं। इनमें मानसिक और वाचिक शक्तियों का निरंतर विकास नहीं होता। पैदा होते समय जिन क्षमताओं के साथ उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के साथ नष्ट भी होते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और अमनस्क पंचेंद्रिय वाले जीव भी ऐसी योनियों में पैदा होते हैं जो अमैथुनिक है। दोस्तों, वास्तव में ये ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर बना है। वर्तमान में वैज्ञानिक जिन 118 तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत करते हैं, वो सारे पृथ्वी तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। हमारे शरीर की पांच ज्ञानेंद्रियां इस ब्रह्मांड में फैले हुए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हैं, और पांच कर्मेंद्रियां उन्हीं के अनुसार कार्य करने के लिए। इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच तारतम्य बिठाने और इन पर नियंत्रण रखने का काम मन करता है। कुछ लोग मन को ही चेतना समझ लेते हैं, जबकि ये गलत है। मन का निर्माण हमारे कर्मों द्वारा निर्मित हुए संस्कारों से होता है। कुछ लोग आत्मा को चेतना समझते हैं, जबकि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि चेतना का विकास या तो आरोह क्रम में होगा या अवरोह क्रम में होगा। दोस्तों, आत्मा सर्वथा निरपेक्ष है, इसका कभी विकास नहीं होता, क्योंकि ना तो ये कभी पैदा हुआ था और ना ही ये कभी नष्ट होगा। अब आप सोचेंगे, तो फिर चेतना है क्या? वास्तव में आत्मा जब तक जीव की अवस्था में रहता है, एक शरीर धारण किए हुए रहता है, जिसे ब्रह्मांडीय शरीर यानी कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करता है। उनके अलग अलग रंग रूप हो सकते हैं, लेकिन ये शरीर कर्म फल के अनुसार मिलते हैं और भोग समाप्त होते ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कुछ नष्ट नहीं होता तो वो है ब्रह्मांडीय शरीर, इसका निरंतर विकास होता है। दरअसल चेतना का विकास इसी ब्रह्मांडीय शरीर का विकास है, लेकिन ये विकास कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। उच्च स्तर के कर्म जिनमें ज्ञान का समावेश होना आवश्यक है, करने से ब्रह्मांडीय शरीर निरंतर विकसित होता है। एक स्तर ऐसा आता है जहाँ पहुँचने के बाद ये ब्रह्मांडीय शरीर यानी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वो स्वयं तय करती है कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, अर्थात वहाँ से उसका निम्न स्तर की योनियों में गमन नहीं होता। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इसी को मोक्ष या अपने ईष्ट प्रभु के परम धाम में निवास करना कहते हैं। उन ग्रंथों में इसके बारे में जो लिखा है सही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पहुंचने के बाद उस जीव के ब्रह्मांडीय शरीर का विकास रुक जाता है। दरअसल वहां भी विकास के पांच स्तर होते हैं। प्रथम स्तर सालोक्य का है। इस स्तर पर प्रवेश करने पर इससे निम्न स्तर की योनियों में आवागमन रुक जाता है। वहां सुख और दुख का अनुभव नहीं होता, केवल आनंद होता है। आनंद की तुलना सुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि सुख में स्थायित्व नहीं है और आनंद चिरस्थायी है। इसके बाद दूसरा स्तर साटी का है। इस स्तर पर प्रवेश करने पर अपने ईष्ट प्रभु के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ये ऐश्वर्य इस लोक के भौतिक ऐश्वर्यों से अलग होते हैं। तीसरा स्तर सामीप्य का है। इस स्तर पर प्रवेश करने पर अपने ईष्ट प्रभु का सामीप्य प्राप्त होता है। उनके माता पिता, सखा, पुत्र, स्त्री आदि के रूप में जीवात्मा जिस रूप में उनका ध्यान करता है, उनसे प्रेम करता है, उसी रूप में वो वहां प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसके आगे का द्वार सारूप्य मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसमें वो अपने ईष्ट प्रभु का ही रूप धारण कर लेता है और उनके कुछ चिन्हों को छोड़कर बाकी समस्त चिन्हों जैसे शंख, चक्र आदि को धारण कर लेता है। इसके आगे विकास का अंतिम स्तर सायुज्य का होता है। यहाँ पहुंचकर वो अपने ईष्ट प्रभु के साथ एकत्व को प्राप्त होता है, यानी उनसे अभिन्न हो जाता है। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं है कि चेतना के विकास के ये पांच स्तर वहीं जाकर पूर्ण होते हैं, बल्कि ये मनुष्य जीवन जीते हुए भी पूरे किए जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्मांडीय शरीर या चेतना का विकास केवल और केवल उच्च स्तर के कर्म जिनमें ज्ञान का समावेश होना आवश्यक है के द्वारा ही हो सकता है।
दोस्तों 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनियां हैं। इसलिए मनुष्य जन्म लेकर ही जीवात्मा की चेतना इतनी विकसित हो सकती है कि वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। किसी और योनि में जन्म लेकर ऐसा संभव नहीं है। देवता या विकसित चेतनात्मक स्तर वाले प्राणी इस बात को समझते हैं कि कर्म फल भोग समाप्त होने पर उन्हें वापस उन्हीं योनियों में लौटना है और सुख दुख झेलना है। चूंकि उनकी समझ विकसित होती है, इसलिए उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने की महत्ता पता होती है। इन्हीं सब वजहों से देवता आदि उच्च चेतनात्मक स्तर वाले प्राणी, जिन्हें आज की दुनिया पर ग्रही एलियंस के रूप में जानती हैं, धरती के ज्ञानी और क्षमतावान मनुष्यों के संपर्क में रहते हैं। लेकिन कलयुगी प्रभाव की वजह से आज हम अपने आप को भुला बैठे हैं, अपने प्राचीन ग्रंथों में लिपिबद्ध हुए ज्ञान को भुला बैठे हैं। हम उन्हें केवल धार्मिक नजरों से देखते हैं। घर के मंदिर में अगर शिव पुराण है, श्रीमद्भागवत गीता है, तो हम लोग उसे माथे से लगाते हैं, उसे भक्ति भाव से पढ़ते हैं। लेकिन समय की आज महती आवश्यकता है कि हम उसे तार्किक भाव से पढ़ें, वैज्ञानिक भाव से पढ़ें, स्वयं से प्रश्न करें, स्वयं उसका उत्तर ढूंढें। जब हम स्वयं अपनी विरासत को नहीं पहचानेंगे, उसे नहीं संभालेंगे, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? सदैव स्मरण रखें, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म के नाश होने पर हम स्वयं विनष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।